Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, the great viewers, good morning, good evening, good night, best wishes to whole world. Today is 1st May. हम आपको 1st May के बारे में बता दें, ये शिकागो में बहुत पहले लेबर ने एजिटेशन किया था और बेचारे लेबर्स ने, ये जो जमहूरियत का बहुत बड़ा चैम्पियन अलमबरदार है जिसने सबसे पहले मजदूरों का कत्लेआम किया, तो शिकागो में डेमो था एक बहुत बड़ा मज़दूरों का, तो उसमें गोली चला दी, इंसानों को भून दिया गया, तो उस दिन की रेफरेंस से, मुनासबत से इस दिन को मनाया जाता है तमाम दुनिया में एज ए लेबर डे, और इसको कहते हैं मे डे। अच्छा, एविएशन हिस्ट्री में मे डे उस वक्त यूज़ किया जाता है जब जहाज़ को बहुत बड़ा ख़तरा हो और बचने का रास्ता कोई ना हो, एस्केप के लिए वो नीचे मैसेज देता है और कॉल करता है मेडे मेडे कि मुझे रेस्क्यू किया जाए। तो आज बहुत ही अफसोसनाक दिन है लोगों, यार लोगों के लिए तो छुट्टी का दिन है, लेकिन ये दुनिया में तमाम लेबर जो है ये यकजहती का दिन मना रही है, सॉलिडेरिटी का दिन मना रही है, लिहाजा हम भी इस गम में बराबर के शरीक हैं। मज़दूर तो मज़दूर है। आज तो बड़ा दिलचस्प, हमारे मोहतरम दोस्त जनाब हबीबुल्ला मियाँ साहब ने लिखा कि कलम का जो, हम कलम के मज़दूर हैं साफ़ी, तो हमें तो आज भी छुट्टी नहीं है। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा 3-पीस सूट पहने और एक तो जेन्युइन मज़दूर साफ़ी है और एक साफ़ी जो कलम फरोख्त करता है, कलम फरोश साफ़ी है, वो कैसे। बहरहाल मियाँ साहब तो स्वीट तरीन इंसान हैं, अच्छी बात कही उन्होंने, वो सारा दिन लगे रहते हैं, हमारे दोस्त लगे हुए हैं। आज वी शेयर दिस डे एंड वी ऑफर कंडोलेंस टू ऑल दोज लेबर हु वर स्लॉटर्ड एंड बुचर्ड। हमारे साथ ढाका से जनाब फारूक राव साहब, हमारे एविएशन एक्सपर्ट जो हैं वो इस वक्त ढाका में हैं। चूँकि इस वक्त सुबह का टाइम है, आज लोग कुछ सोए हुए हैं, कुछ मेडे के सिलसिले में बाहर जुलूस की शक्ल में है, लिहाजा इस वक्त हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत अहम मौजूदात पे बात होगी इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद, अगर फारूक राव साहब हमारे साथ ऑनलाइन आ गए वो, तो उस वक्त हम आपको उनकी सारी बातें शेयर कराएंगे। उनका जो पिछला प्रोग्राम हमारे साथ था बहुत लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर इनकरेजिंग DNN, और फारूक राव साहब ने अच्छे मशवरे दिए और वो हमने उसी तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बल्कि दुनिया ने वो प्रोग्राम देखा और बड़ा अप्रिशिएट किया। सो स्टे ब्लेस्ड और मज़दूरों का ख्याल रखिए। मैं बहुत जल्द आपको एक बहुत स्टनिंग प्रोग्राम वॉच कराऊँगा, दैट वुड बी ऑन ज़रई तरक्याती बैंक, जो एक वाइट एलिफेंट है, उसने किसानों का जो हाल किया हुआ है उस पर हम बात करेंगे। वो उसमें आप देखिएगा कि पुराने पाकिस्तान, नए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, वो पाकिस्तान, लेकिन कायद के पाकिस्तान में किसान का जो हाल है हम उसको आपसे शेयर करेंगे। और जो SPP उकाड़ा हैं, प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट ज़रई तरक्याती बैंक पाकिस्तान हैं, चेयरमैन हैं या डायरेक्टर जनरल हैं या प्रेसिडेंट हैं, जो भी हैं वो उनको हम शेयर करवाएंगे कि लोगों का हाल क्या है। इस तूफ़ानी बारिशों ने, इस हेल स्टॉर्म में फसलें तबाह हो गई हैं। मैं बहुत चक्कर लगा के आया हूँ उकाड़ा डिवीजन का, सॉरी डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा साईवाल डिवीजन के तमाम एरियोज़ में मैं ड्राइव करके गया हूँ, फसलें देखी हैं, बुरा हाल है, मासूम किसान फसलें काट रहे हैं। हम उस पर भी बात करेंगे और इंशाल्लाह आपको शेयर कराएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि शहरी ज़िंदगी पे तो हम सिर्फ लोड शेडिंग का रोना रो रहे हैं, गैस के बिलों पे रोना रो रहे हैं, महंगाई पे रोना रो रहे हैं, लेकिन जो ये शख्स बेचारा हमारे लिए ये सब्ज़ियाँ उगा रहा है, गंदम उगा रहा है, उसको तो कुछ भी, उसका तो बुरा हाल है। मैंने एक 12-14 साल की बच्ची को गंदम काटते हुए देखा, जिसकी आँखों में सारे जिस्म पे पसीना था और आँखों में आंसू थे, और उसका वालिद क्या कह रहा था वो हम आपको शेयर करवाएंगे। हमारे साथ रहिए, कीप वॉचिंग DNN एंड थैंक यू फारूक राव साहब। आप ढाका एंजॉय कीजिए, हम आपको थोड़ी देर के बाद जहमत देंगे और फिर लोगों के साथ प्रोग्राम शेयर कराएंगे, फिर हम ज़रई तरक्याती बैंक के टॉप्स को ऑनलाइन लेंगे, लाइव लेंगे और पूछेंगे किसानों से, उनसे पूछेंगे कि इस वक्त
क्या हालात जा रहे हैं। गंदम का बड़ा नुकसान हुआ है, फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे साथ रहिए, कीप वॉचिंग DNN, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू।